द्वार से संत साध्वी पहुंचे गुना, शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में महा सत्संग आरंभ। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे सत्संग समारोह में श्रद्धालु। संतों ने कहा, गुना के श्रद्धालुओं को देखकर हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी देवनगर में आए हों। दो दिवसीय सत्संग का कल होगा समापन। प्रस्तुत है गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। जी हां, कथावाचक हरिद्वार से गुना आए स्वामी ज्ञान युक्तानंद महाराज ने अपने मुखारविंद से गुरुवाणी गाई और भक्तों को जीवन मरण के विषय में बताया। महाराज जी के भजन से भक्तगण नाचे और झूमे। सैकड़ों की तादाद में भक्तगण श्रद्धा अर्पित करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे। यहां महाराज ने शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया। यह कार्यक्रम दो दिवस चलेगा जिसका समापन कल होगा। महात्मा ज्ञान युक्तानंद, तो आप जो गुना शहर में आए हैं, आपका कितने दिन का ये आयोजन है? ये कार्यक्रम दो दिन का है भाई। अभी महाराज जी का कार्यक्रम और जगह भी है, लेकिन मैं यहाँ दो दिन के लिए आया हूँ। हमारी बहनें यहाँ रहती हैं जी गुना में, और हमालिका बहन जी हैं, ये पूरे भारत में भ्रमण करती हैं। आप उनका भी थोड़ा बहुत लेना। तो अभी दो दिन का कार्यक्रम मेरा सिर्फ यहाँ पे। मैं सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और उनके आज्ञा से हम इस ज्ञान का प्रचार करते हैं कि पूरे विश्व के अंदर में यह अध्यात्म ज्ञान जो शंकर भगवान ने माँ पार्वती को बताया, उस ज्ञान की चर्चा हम आप लोगों से कर रहे हैं। और इसको तो आप लोगों को भी जानना है कि जो हमारे पत्रकार भाई हैं, मीडिया वाले हैं, क्योंकि मीडिया जो है आज बहुत ज़्यादा मीडिया का, पहले रामायण गीता पढ़ते थे सुबह सुबह, आजकल तो पेपर पढ़ते हैं समाचार क्या है। तो आप लोगों का तो बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो आप देश को रामराज क्या, आपको देश को स्वर्ग में आप ले जा सकते हैं। आप लोगों के पास में इतना पावर भगवान ने दिया। महाराज जी, आप पहली बार आए गुना या? नहीं, मैं गुना में पहले आज से कोई 1997 में मैं यहाँ आया था एक बार। आपको गुना में आके कैसा लगा? यहाँ भक्तगण हैं, गुना शहर की जनता है, धर्म के प्रति जागरूक, बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आप लोग आए हैं तो आप लोगों का भी भाव बहुत सुंदर है, क्योंकि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को बाहर देंगे तो बहुत लोगों को इसका लाभ होने वाला है। तो आपका ये कल और चलेगा ये कार्यक्रम? कल का दिन और चलेगा, सत्संग कल और रहेगा। जी जी, शंकर भगवान ने माँ पार्वती को जो ज्ञान अमरनाथ की गुफा में दिया है, उसी ज्ञान को सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज पूरे विश्व के अंदर में इस ज्ञान को लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने परिवार में रह करके और उस ज्ञान को जाने, जिस ज्ञान को शंकर भगवान ने माँ पार्वती को चर्चा की। चर्चा करने से अंडे के अंदर तोते का जो बच्चा था वो हाँ हाँ करने लगा। जिस ज्ञान को जान करके उनका नाम सुखदेव, सुगा से सुखदेव पड़ गया। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? एक चौपाई रामायण में भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, वो एक बार नाम जप लो सहस्त्र नाम तक तुल्य राम नाम बरानने। ये हम लोग वैसे मानव थान सेवा समिति संस्थापक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी, उनके हम लोग शिष्य हैं और हमारा आश्रम है यहाँ पर गुना के अंदर में, विंध्याचल कॉलोनी के अंदर में। और हम लोग अभी भ्रमण करते हुए इलाहाबाद, अयोध्या सब जगह से भ्रमण करते हुए गुना में पहुँचे हुए हैं और यहाँ दो दिन का कार्यक्रम रखा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। आज हो गया है, कल और होगा, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। आपको ऐसा लगता है गुना में काफ़ी भक्त हैं जो श्रद्धालु हैं? हाँ, आपको आप पहली बार आए या अभी भी आते रहते हैं? तो कई बार आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महात्मा मालिका भाई जी। हाँ जी, और ये मानवथान सेवा समिति का जो उद्देश्य है कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर में अपने धर्म को, अपना धर्म का मतलब है जिस शरीर, जो धर्म ने शरीर को धारण किया, अगर वो धारण करने वाली सत्ता इस शरीर से निकल जाए तो फिर और कोई ताकत नहीं है जो शरीर को चला दे। तो जो इस शरीर को चलाने वाला परमात्मा है, जो इस शरीर के भीतर ही बैठा हुआ है, गीता गवाही है, रामायण गवाही है, बाइबल गवाही है, कुरान गवाही है, हर ग्रंथ ये कह रहा है अश प्रभु हृदय, प्रभु हृदय में है। तो जब हृदय में है, फिर रामायण में लिखा देखिए रूप, हृदय में है तो उसका रूप देखिए।